1992 में निकली थी और अब पूरे राजस्थान के जो कृषि विद्यालय हैं उनमें एक भी टीचर नहीं है, सारी सीट वैकेंट है, फिर भी ना सरकार ध्यान दे रही है ना आरपीएससी। इंटरनेशनल ब्रांड्स एंड स्मार्ट वॉचेस कलेक्शन विद ग्रेट ऑफर्स एट मिनट्स टू स्टाइल, स्टेशन रोड अजमेर एंड अपोजिट सूचना केंद्र जयपुर रोड अजमेर। सारा का जो अंतिम परिणाम जारी करवाने के लिए आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और लगातार आज जो है सातवें दिन भी ये धरना जो है वो चल रहा है। ये क्या है, 1992 के बाद की जो वैकेंसी है जो अभी इसका कोई रिजल्ट नहीं जारी हुआ है, इसके लिए क्या है कि हम लोगों ने काफी बार आरपीएससी के अंदर सचिव से मिलने की कोशिश की है लेकिन हमें बार बार यही बोला जाता है कि इस हफ्ते आ जाएगा, अगले हफ्ते आ जाएगा, इस हफ्ते आ जाएगा, लेकिन इसका अंतिम परिणाम जारी करवाने के लिए आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। सारे के सारे जो है नियुक्ति प्रदान, हमें जो है रिजल्ट मिले और उसके बाद नियुक्ति प्रदान करें। हमारे साथ के सारे 18 सब्जेक्टों को है जो नियुक्ति मिल चुकी है, हम 4 महीने पहले इस लेट चल रहे हैं, तो इसके लिए क्या है कि हम बार बार आरपीएससी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें जो है ये अंतिम परिणाम जारी करके और नियुक्ति प्रदान करें। राजदीप, मैं हनुमानगढ़ से हूँ। कृषि व्याख्या था भर्ती 2018, मैं और मेरे सभी साथी यहाँ पे आए हुए हैं, लगातार सातवें दिन भी धरना जारी है, आरपीएससी से बार बार मिल रहे हैं, यही आश्वासन मिल रहा है कि नेक्स्ट वीक आ जाएगा, प्रोसेस में चल रहा है, नेक्स्ट वीक आ जाएगा। और ये भर्ती 1992 में निकली थी और अब पूरे राजस्थान के जो कृषि विद्यालय हैं उनमें एक भी टीचर नहीं है, सारी सीट वैकेंट है, फिर भी ना सरकार ध्यान दे रही है ना आरपीएससी लेटर खेला खेल रही है, बोले प्रोसेस में एक लेटर सचिवालय गया हुआ है, फिर कह रहे हैं शिक्षा निदेशालय बीकानेर गया हुआ है, हम वहाँ भी संपर्क कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि प्रोसेस में है, हमारी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। धन्यवाद। मनीष शर्मा, जयपुर। आज धरने की प्लानिंग थी आरपीएससी के सामने, मतलब पैदल मार्च निकालने का था लेकिन हमें अलाउ नहीं किया, पुलिस वालों ने पीसीआर आई अभी उन्होंने मना कर दिया, प्रोटोकॉल से उनके कुछ तो उनका पालन करना पड़ेगा, जो भी प्रोटोकॉल का पालन करते हम जो भी होगा धरना लगातार चालू रखेंगे। धन्यवाद। मनीष शर्मा, जयपुर।